दोस्तों आज हम एक एसी डीसी बल्ब को रिपेयर करेंगे जो कि आपको मार्केट में 400 से 500 रुपए की रेंज में मिलते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हमें एलईडी की तरह भी यूज में आते हैं और ये इमरजेंसी लाइट की तरह भी हमारे घर पे जलते हैं। ये लाइट जाने पर भी ग्लो होते हैं और लाइट रहने पर भी ग्लो होते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और ये इंडो कंपनी का इंटर एलईडी बल्ब है जो कि 8 वाट की इसमें कॉब लगी हुई है, यहाँ पर इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। अब ये एलईडी बल्ब ग्लो हो गया है लेकिन इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हम इसे लगाएंगे तो इसमें कोई भी बिल्कुल इंडिकेटर नहीं हो रहा है, तो इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इसका ये ड्राइवर सर्किट बाहर निकल आएगा और यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है काला ही पड़ चुका है। शायद इसमें कुछ ना कुछ इस यहाँ पे जो फ्यूज आपको जले दिख रहे हैं इनकी वजह से ही इसके अंदर ये इतना काला पड़ चुका है और यहाँ पे जो हमारा सेल लगा हुआ है लिथियम सेल वो भी काला पड़ चुका है। सबसे पहले हम इसके डिफ्यूज़र को ओपन करके देखेंगे कि हमारी MCPCB की कोई भी LED ख़राब है या नहीं। ये ओरिजिनल बल्ब होते हैं इसके कारण इनका डिफ्यूज़र बहुत ज़्यादा टाइट खुलता है और यहाँ पे हम यदि इसे देख पा रहे हैं तो इसका कोई भी LED बल्ब SMD LED यहाँ पे कोई भी LED डैमेज नहीं हुई है। अभी इसकी MCPCB क्लियर दिख रही है तो इसके ड्राइवर पे ही हमें काम करना है। उससे पहले हम यहाँ पे इसके बैटरी के कनेक्टर को निकाल लेंगे और यहाँ पे 3 स्क्रू देखने के लिए मिल जाएंगे तो हमें इन 3 स्क्रू को खोल लेना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पे देखना है मैनुअली कोई कंपोनेंट हमें ख़राब तो नहीं लग रहा है, इस खासकर IC रेजिस्टेंस वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों सब वैसे क्लियर दिख रहा है, अभी हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेंगे। और जो हमें कंपोनेंट ख़राब दिख रहे हैं वो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारे फ्यूजल रेजिस्टेंस हैं ये हमें ख़राब देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को भी हम चेक कर लेंगे और यहाँ पे MO भी लगी है, इसे ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीप आ रही है और रजिस्टर हमेशा बीप नहीं मारता है, यदि कम ओम्स का होता है तो यहाँ पे बीप मारता है, पर यहाँ पे इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पे क्लियर आप देखें तो इनमें कोई भी रीडिंग नहीं है क्योंकि ये हमारे दोनों रजिस्टर ख़राब हो चुके हैं। इसके बाद हमारी MO भी यहाँ पर लगी हुई है तो MOV को भी हम चेक कर लेंगे। तो MOV में जो हमारी कंटिन्यूटी आ रही है वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। एक बार हम रेक्टिफायर भी यहाँ पे चेक कर लेंगे तो रेक्टिफायर दोस्तों कभी बीप नहीं मारता और कभी भी दोनों साइड से हमें रीडिंग देखने के लिए इसमें नहीं मिलती। अभी ये रेक्टिफायर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो अभी के बाद यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगी है, इस इंडक्टर कॉइल को भी चेक करना है तो इंडक्टर कॉइल बिल्कुल सही है। इसके बाद ये PF लगा है, इस PF को भी चेक करेंगे, PF भी बिल्कुल सही है और यहाँ पे एक और MO भी लगी हुई है, इसे भी हम चेक कर लेंगे। वैसे MOV कभी भी रीडिंग नहीं देती, यदि MOV सही होती है तो इससे कोई भी रीडिंग नहीं आती, लेकिन ये किसी कंपोनेंट के पैरेलल में लगी होगी उसके कारण या उससे कनेक्ट होगी उसके कारण यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है इनको भी देख लेंगे तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके हैं और एक कम ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है जो कि हमारी इस कॉप को चलाने के लिए लगी हुई है। तो अब हमें सेल की वोल्टेज को भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे इसमें कितनी वोल्ट बची है। तो मल्टीमीटर को हम DC 20 की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सेल अभी दोस्तों हमारा चार्ज है जो कि 3.3 वोल्ट
चार्ज है और क्लियर है, आप देखें तो यहीं पे हमें चार्ज है। तो यहाँ पे शायद फ्यूज ख़राब हो जाने की वजह से ये हमारा एलईडी बल्ब डेड पड़ चुका है। एक बार हम इसे सीरियस से चेक करके देखेंगे कि इसमें हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। तो बैटरी को, कनेक्टर को भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही हमने इस बैटरी के कनेक्टर को लगाया है, इसकी MCPC भी जल चुकी है, जो कि हमारी नीचे वाली लाइन की LED जल रही हैं और ऊपर वाली लाइन है जो हमारी AC वाली है, ये DC वाली लाइन ग्लो हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब हम इस होल्डर के इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, तब हमारा ये सिस्टम चालू होता है, MCPC भी ग्लो होती है। लेकिन अभी हम इसे छोड़े हैं, फिर भी ये MCPC भी ग्लो हो रही है। ये किस वजह से हो रही है? जो हमारे प्राइमरी सेक्शन में ये जो MOV लगी होती है, इसे सबसे पहले हमें डिसकनेक्ट करके देख लेना है कि ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाती है या नहीं। ये कुछ ही परसेंट केसेस में आपको देखने के लिए ये वाली प्रॉब्लम मिलेगी। अभी तक जो हमने LED बल्ब रिपेयर किए हैं, उनमें ये दिक्कत कभी नहीं आई। तो यहाँ पे दोस्तों, आप क्लियर देख पा रहे हैं, इस MOV के ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारी लाइट ग्लो हो रही है। और इस तरीके से MOV को एक बार हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो ये MOV हमने बाहर निकाल ली है, अब एक बार हम इसे उसी स्थान पे फिर से कनेक्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे LED ग्लो होने लगती है। तो MOV हमारी फूक चुकी है। अब हम एक बार इसे सीरीज से टेस्ट करके देखेंगे। डायरेक्ट हम इसमें 220 वोल्ट AC देंगे, जहाँ पे ये हमारे फ्यूज कनेक्ट हैं। ये फ्यूज जो हमारे कनेक्ट हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट AC सीरीज की मदद से यहाँ पे देंगे। जैसे ही हम इसे सीरीज से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी MCPC भी जलनी चाहिए। तो चलिए हम इसे सीरीज से चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सीरीज लाइन के वायर हैं, आप देख सकते हैं, और हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी MCPC भी जल रही है। इसका मतलब जो हमारी MOV है, उसके ख़राब हो जाने की वजह से, यहाँ पे हाई वोल्टेज आने की वजह से ये MOV ख़राब हो गई है। और इस MOV ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पे ये दोनों फ्यूज ख़राब हो चुकी हैं। इतना सर सिर्फ इसमें फॉल्ट है LED में। तो यहाँ पे हमें इसके दोनों फ्यूज और ये MOV चेंज कर देना है। तो चलिए फटाफट से हम इसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी MOV जो हमने निकाली थी, उसकी आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग देखे और ये बंद हो जाती है, इसकी रीडिंग मतलब हाफ शॉर्ट यहाँ पे दिखा रही है। अब हम इसे अलग कर देते हैं, और जो सही MOV होती है, उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई भी वैल्यू किसी भी साइड से नहीं आएगी। और यहाँ पे हम इस फ्यूज को इसमें लगाएंगे। एक ही फ्यूज आप लगा लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। फ्यूज आप करीब 10 ओम से लेकर 50 ओम्स तक का इसमें लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे 33 ओम्स का फ्यूज इसमें लगा रहे हैं। यहाँ पे इसके दोनों फ्यूज निकल चुके हैं। अब हमें दूसरा फ्यूज लेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, और इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इन सबको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने एक फ्यूज लगा है और एक MOV यहाँ पे लगा दी है, और दूसरे फ्यूज को हमने यहाँ पे एक वायर से शॉर्ट कर दिया है। एक ही फ्यूज हमारा काफ़ी है। यदि MOV ख़राब होगी तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा। तो अब हम इसके जो पॉइंट हैं लास्ट के, यहाँ पे हम टच करते हैं, तो अभी LED ग्लो होने लगती है। अभी LED बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम इसे कस लेते हैं। जो हमें 3 स्क्रू यहाँ पे मिले थे, इन्हों को लगा लेना है।
तो यहाँ पर हमने इसकी तीनों स्क्रू कस दिए हैं, अब हम इसे पैक कर देते हैं। तो इस तरीके से पैक हो जाएगा। अब हम इसके डिफ्यूज़र को भी पैक कर देते हैं। तो इसका डिफ्यूज़र भी पैक हो चुका है। चलिए अब हम इसकी यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसी से ग्लो हो रहा है और जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो ये डीसी से ग्लो हो रहा है। ये एलईडी बल्ब काफ़ी ज़्यादा दिनों से रखा हुआ था तो इसकी बैटरी जो है डाउन हो चुकी है। जब हम इसे लगभग 2-3 घंटे चला लेंगे तो ये चार्ज हो जाएगी और ये परफेक्ट ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है आपके एक लाइक से। दोस्तों फालतू की रील पे तो लोग बढ़िया लाइक करते हैं पर हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो पर कोई लाइक नहीं करता तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो लाइक दोस्तों ज़रूर करें, भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें पर एक लाइक ज़रूर करें यदि वीडियो पर आए हैं तो। यदि आपके एलईडी बल्ब में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।